हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के ट्रिगोनोमेट्री से लेवल 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 वर्ड प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द रिवर विच इज़ 100 मीटर वाइड। 100 मीटर वाइड का एक आइलैंड, कितना मीटर, ये हम मान लेते हैं ये 100 मीटर का आइलैंड, ठीक है। एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। आइलैंड में कहीं पे एक लंबा सा ट्री, इस ट्री की हाइट मान लेते हैं कितनी है, एच। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स डायरेक्टली ऑपोजिट ईच अदर ऑन द टू बैंक्स। मतलब ये जो आइलैंड है, इसका दो पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा P, एक पॉइंट है Q। एक पॉइंट यहाँ पे हम क्या मान लिए, P, इसको क्या मान लीजिए, एकदम बैंक में, किनारे में, ओके। एंड इन लाइन विथ द ट्री, ट्री के ही लाइन में है। मतलब यहाँ पे तीन अगर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, ये कोलिनियर। ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, जो हाई जो हमारा ट्री है उसका बॉटम को लेंगे, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट को। तो ये एक लाइन में, अगर यहाँ होता तो क्या होता, ऐसा बन जाता, तो ऐसा नहीं है, ओके, बहुत अच्छी बात है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि ये जो वाला ये एंगल है, ये कितना एंगल है, ये 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, ये हमारा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द ट्री मांगा है, एच मांगा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा कितना मीटर है, 100 मीटर, ओके। अब मान लो अगर कि ये हमारा एक्स है, तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम निकालें टेन 45 डिग्री, क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, एच बटे एक्स। टेन 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, दैट इज एच इज इक्वल टू एक्स। एक तो निकल गया कि हाइट और ये जो एक्स है, दोनों बराबर होगा। इसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होगा, एच बाई 100 माइनस एक्स। ये कितना होता है हमारा, 1/√3 एच बाई 100 माइनस एक्स। एच चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स की जगह एच रख देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस एक्स, x मतलब h इज इक्वल टू ये √3 उधर जाएगा, √3h, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h उस पार जाएगा, h कॉमन √3 + 1, दैट इज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/√3 + 1। इसको रेशनलाइज कर दे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी किए, √3 - 1 से डिवाइड भी किए, 100 × √3 - 1, a + b a - b, a² - b, √3 का² 3, 3 - 1 2, और 2 50 is 100, तो 50 × √3 - 1 meter, क्या आंसर होगा, 50 × √3 - 1 meter, ऑप्शन ए, 53 का ए, ओके, उतार लीजिए। चलिए 53 हो गया, नेक्स्ट हमारा 54। क्या, बैलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टैंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर। एक बैलून है, एक मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड में, ज़मीन में क्या कर दिया गया है, केबल ऑफ लेंथ इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉराइजोंटल। 54 में कह रहा है ये हॉराइजोंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और ये केबल का लेंथ कितना है, केबल का लेंथ 215 मीटर, यहाँ पे हमारा बैलून है, ओके। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट निकालने कह रहा है, और कह रहा है इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब वो जो आपका बैलून जिससे अटैच्ड है उसमें कोई, मतलब पूरा का पूरा एकदम क्या कर टाइट। अब देखिए हाइट निकालने के लिए कहीं है एच है या 215 है, मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, साइन लगा दे रहे हैं, साइन 60 डिग्री क्या होगा,
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू एच बाई 215। एच इज इक्वल 215 बाई 2, 2 के 2, 215 बाई 2 रूट 3 मीटर, या 2 के 2 14, 107.5 रूट 3 मीटर। क्या आंसर होगा? 107.5 रूट 3 मीटर, 54 का ए सही है आंसर। ओके नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, 55 में चलते हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? साइन 2 ए इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस ए, ये तो एक फार्मूला ही है वैसे, तब भी लिख दिया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू के, अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80 डिग्री, लास्ट में कॉस 160 डिग्री मांगा, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री है। ओके, इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाने के लिए आप खुद देखिए, साइन ए कॉस है, यहाँ कॉस 20 डिग्री है, इसमें क्या चाहिए, साइन 20 डिग्री भी चाहिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे साइन 20 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन 20 कॉस 20 इंटू क्या है, कॉस 40, कॉस 80, कॉस 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, देखिए साइन 20 से मल्टीप्लाई भी किए और साइन 20 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी लिख रहे हैं, 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन 2 ए। तो लिख सकते हैं इसको साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे क्या 2 साइन 20 डिग्री, कॉस साइन 40 कॉस 40, या 2 लगा देंगे तो ऊपर 2 तो नीचे भी क्या करेंगे 2, इससे फ़ायदा क्या हुआ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा साइन 2 ए, दैट इज साइन 2 इंटू 40, साइन 80 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, समझ रहे हैं ना। देखिए मैं क्या किया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए, साइन 2 इंटू 40 साइन 80 हो गया, इंटू क्या हो गया बोलिए, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री बटे 2 टू ज़ा 4 साइन 20 डिग्री। अब देखिए साइन 80 कॉस 80, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा साइन 2 ए, दैट इज साइन 160 डिग्री इंटू 80 दुना 8 दुना 16, तो 60 ही है यहाँ पे वैसे, आई एम सॉरी कि मैं गलत कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा 160, नीचे क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 साइन 20 डिग्री। अब 8 है यहाँ पे, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस है क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करें 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर रहे, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 160 कितना हो जाएगा 320 डिग्री, ऊपर हो गया नीचे क्या 8 दुना 16 साइन 20 डिग्री। ओके इतनी बात तो समझ पा रहे हैं, साइन 320 डिग्री कैसे निकलेगा, लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 16 साइन, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा नेगेटिव साइन थीटा, नेगेटिव साइन 40 बटे 16 साइन 20, लिख सकते हैं इसको साइन 40 को साइन 2 इंटू 20 डिग्री बटे 16 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा साइन 2 ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन नेगेटिव 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 बटे 16 साइन 20, साइन 20 साइन 20 कैंसिल, 2 आठ 16 नेगेटिव 1 बाई 16 कॉस 20 डिग्री, नेगेटिव 1 बाई 16 2 आठ 16 2 आठ 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 20 डिग्री को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेगेटिव 1 बाई 8 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस 20 कॉस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या होगा
वन माइनस साइन स्क्वायर या कॉस बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा निगेटिव वन बाई एट, क्या हो गया वन माइनस, और साइन ट्वेंटी को के लिखा गया है वन माइनस के स्क्वायर, आंसर हो गया वन माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बटे आठ, निगेटिव वन माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बटे आठ, ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा। ओके कर लें डन, तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमें मिला, दो क्वेश्चन तो हो गए किसके हाइट एंड डिस्टेंस के, और तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री से है, लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डन चलिए 56 रूट टू कॉस थीटा माइनस, रूट सिक्स साइन थीटा इज टू रूट टू, मांगा क्या है थीटा कैन बी, तो ये हो जाएगा देखिए लिख सकते हैं रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट सिक्स को रूट टू इंटू रूट थ्री साइन थीटा बटे टू रूट टू इज इक्वल टू वन, अब ये इससे भी डिवाइड होगा इससे भी डिवाइड होगा, रूट टू कैंसिल वन बाई टू कॉस थीटा, रूट टू कैंसिल रूट थ्री बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन थर्टी डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस, रूट थ्री बाई टू क्या होगा कॉस थर्टी डिग्री इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन थर्टी डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वन, और वन को लिख सकते हैं साइन नब्बे डिग्री, इक्वेट करेंगे तो क्या होगा थर्टी डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल 90, और भी एंगल्स हो सकते हैं बट मैं सबसे सिंपल वाला लिया, तो थर्टी डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, थीटा होगा हमारा नेगेटिव 60 डिग्री, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्टी सेवन, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम्स फ्रॉम द ग्राउंड अलॉन्ग अ रोप विच इज स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, पोल का की जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर, कितनी मीटर है 12 मीटर, तो पोल की हाइट 12 मीटर है, बहुत अच्छी बात है, और क्या कह रहा है एंगल ऑफ रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, मांगा क्या है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन रीचिंग द टॉप ऑफ द पोल, ये पोल का टॉप है यहाँ से जो ये जाएगा ये डिस्टेंस मांगा, इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, ये 12 ये एक्स, क्या साइन लगा देंगे साइन 30 डिग्री क्या होगा 12 बटे एक्स, 30 का वैल्यू हाफ 12 बटे एक्स, एक्स कितना हो गया 24 मीटर, मतलब वो आर्टिस्ट को कितना मीटर चलना पड़ेगा 24 मीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 57 हो गया 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15 प्लस डैश डैश लास्ट में क्या लिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब आप देखें इसको क्या करेंगे इसको है ना, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री के साथ साइन स्क्वायर 85 डिग्री ले लो चलेगा, 90 से पहले 85 है, देखिए 85 और 5 90 डिग्री, इस तरह से हम लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं समझ आ जाएगा, साइन स्क्वायर 10 के साथ क्या होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री लेंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आएगा हमारा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, अब 40 के बाद क्या होगा हमारा देखिए 5 हो गया है ना, 10 हो गया, 15 20 25 30 35 40 तक हो गया, 45 लेंगे 45 और 45 दो बार तो नहीं है तो 45 ले नहीं सकते हम, तो 45 बस एक बार लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 अकेले बच जाएगा और साइन स्क्वायर 90 डिग्री अकेले बच जाएगा, ये हम कोई
ग्रुप नहीं के ग्रुप यहाँ तक की, ये अलग से लिख दिया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री, आपको पता है साइन 85 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 5 डिग्री के बराबर। कैसे, देखिए साइन 85 डिग्री को लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, साइन 90 से क्या है, कॉस थीटा, समझ रहे ना, साइन 85 कॉस 5 के बराबर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। उसी तरह से यहाँ होगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 90 माइनस 10 80 होगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। इसी तरह से आगे जाएगा, है ना, ये होगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 90 माइनस 40 50 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री यहाँ तक हो गया। प्लस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 1, 10 का हो गया, 15 के लिए 1 होगा, 20 के लिए 1 होगा, 25 के लिए 1 होगा, 30 के लिए 1 होगा, 35 के लिए 1 होगा, 40 के लिए 1 होगा। उसके बाद क्या हो जाए, समझ रहे ना, यहाँ पे कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 + 1, ये 8 1 9 9 + 1/2, 9 2 18 1 19/2 आंसर होगा, 19/2 बिल्कुल सही है, 58 तक हमने कर दिया। नेक्स्ट उतार लीजिए, डन। 59 देखिए, 59 क्या कह रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, sin थीटा मांगा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये एक आइडेंटिटी से कुछ जुड़ा हुआ नज़र आता है। हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ए स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी गिवन है 2, यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, 1/2। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इसको इक्वेशन 2 मान लेते। 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो आप देखिए tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, तो sec थीटा हो गया हमारा 5/4। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानते हैं ना, थीटा है और sec क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो क्या हो जाएगा 5/4, 5² = 25 में 16 के 9 3 आएगा, समझते ना, 5² - 4² का स्क्वायर रूट निकल गया हमारा। हमको चाहिए साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 3/5, तो आंसर क्या होगा, 3/5, ठीक है। चलिए 3 3 6 7 क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना है, ठीक है। 59 हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कॉस थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा। इज इक्वल टू 2/√3, थीटा निकालना है सर्कुलर मेजर में, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस पार लेके आ जाते हैं, √3/2 है ना, कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी वैसे भी तो होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1/2 साइन थीटा, और यहाँ पे बचा क्या 1, हमने क्या किया, √3/2 इस पार लेके आ गया, 2/√3 इस पार लेके आएंगे, √3/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमने किया। √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री, और हाफ क्या होता है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, या कॉस 60 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, √3/2 साइन 60 डिग्री होता है, हाफ क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, से क्या हुआ, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या होगा, 90 में 60 गया 30 डिग्री, कितना आंसर हो गया, 30 मतलब अगर इसको निकालें आप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 गुना 30, तो पाई बाई 6, ओके, पाई बाई 6। नेक्स्ट डन, ओके।
61 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी किए नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्यों ऐसा किए, इसको रेशनलाइजेशन टाइप का कुछ हमने किया, क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा था ऑलरेडी, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा खुद देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बताइए स्क्वायर इसमें भी है स्क्वायर इसमें भी है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस थीटा भी होगा, साइन थीटा बाई कॉस दोनों से साथ होगा, 1 बाई कॉस क्या होगा सेक थीटा, साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बात थी, उतार लीजिए, नेक्स्ट 61 हो गया, 62 में क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा कैन बी, तो थीटा हमें निकालने की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, समझ रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया आइडेंटिटी के हिसाब से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस पर आएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 में एक गया 2 इक्वल टू 0, 2 दूना 4, तो इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा हमारा कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस 4 माइनस 1 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 होगा 2 कॉमन लिए थे, साइन थीटा माइनस 2 इधर हो गया 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा 2 या साइन थीटा क्या आएगा हाफ, इसको 0 पुट करेंगे तो हाफ आ जाएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो आंसर हाफ हुआ, तो थीटा कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, ठीक है इजी था ये, डन 62 हो गया, 63 में आते हैं, चलिए 63 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉट थीटा 24/7 और कह रहा है कि जो ये थीटा है ना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है पता ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, कॉट थीटा 24/7 बेस बाई परपेंडिकुलर 24/7, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 25 आएगा, करके देख लें आप, ठीक है, लेकिन ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये भी निगेटिव होगा ये भी नहीं, तब तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, ओके मांगा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, अब बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस निगेटिव 7 बाई निगेटिव 24 माइनस सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस 25 बाई निगेटिव 24, ये हो जाएगा 7 बाई 24 माइनस प्लस 25 बाई 24, 25 7 32 बाई 24, 8 चौक 32 8 या 24 कितना आया 4 बाई 3, तो आंसर क्या होगा 4 बाई 3, उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन था, गलती हो जाती है बच्चों का इससे क्वेश्चंस में, लेकिन है आसान, क्वाड्रेंट की जानकारी अच्छे से होनी पड़ेगी, ठीक है चलिए 63 हो गया आपका, अब कम ही क्वेश्चंस बचे, 64 साइन 20 डिग्री पी, क्या मांगा है साइन 360 डिग्री माइनस साइन 340 डिग्री कॉस 380 कॉस 340, क्या होगा, ठीक है साइन 380 को क्या लिख सकते हैं साइन
360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 340 को क्या लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री बटे कॉस 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कॉस 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 20 डिग्री माइनस 360 माइनस 20 तो फोर्थ में ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव साइन 20 बटे 360 प्लस कॉस, कॉस में रहेगा कॉस 20 प्लस 360 माइनस 20 कॉस का ही घर है तो कॉस 20 माइनस माइनस प्लस साइन 20 साइन 20 टू साइन 20 बटे कॉस 2 कॉस 20 टू कैंसिल साइन बाई कॉस वैसे टेन हो जाएगा, चलिए टेन लिख देते हैं टेन 20 डिग्री। अब बताइए साइन 20 डिग्री पी है हमारा, ये थीटा है मतलब 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री पी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, टेन 20 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई पी बाई 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है समझ गए ना, साइन 20 डिग्री पी है मतलब पी बाई 1 है, अरे पी मतलब क्या है पी बाई 1 है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वहाँ पर टेन 20 टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई पी बाई 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है डन, 64 हो गया। 65 क्या कह रहा है 65 वैल्यू ऑफ tan 22 हाफ डिग्री, tan 22 हाफ डिग्री निकालना है, जो निकालना है उसी को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। देखिए मैं अगर लिखूं tan 2x क्या होगा, ये हो जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला है। ठीक है मतलब एक फॉर्म टेन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला में ए और बी को एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो एक्स के प्लेस में हम क्या रखते हैं टू थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स तो नहीं एक्स पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है टू थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं 22 हाफ, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, टू टेन 22 हाफ डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 22 हाफ डिग्री क्या हो जाएगा, ये टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू टेन 22 हाफ कितना माने एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो गया तो 1 इंटू समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, दैट इज माइनस स्क्वायर लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, x का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो यहाँ पे a हमारा क्या है 1, b क्या है x का मतलब 2 और c कौन है माइनस 1, तो यहाँ से हम d निकाल लेते हैं, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 2 स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू नेगेटिव 1 मतलब प्लस 4 8 होगा, d आ गया 8, समझ रहे ना आप, d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसे सॉल्व करना है इसको, माइनस b मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 बटे 2 इंटू ए 1, तो नेगेटिव प्लस माइनस क्या होगा 2 रूट 2 बटे 2, नेगेटिव कॉमन या 2 कॉमन नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल तो नेगेटिव 1 प्लस रूट 2 होगा और नेगेटिव 1 माइनस रूट 2 होगा, ये तो नेगेटिव में आंसर आएगा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 0 से 90 के बीच में, और ये होगा हमारा रूट 2 माइनस 1, रूट 2 ज़्यादा है 1 से और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये आंसर होगा रूट 2 माइनस 1, क्या आंसर होगा बिल्कुल सही है रूट 2 माइनस 1 उतार लीजिए तो टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ रूट 2 माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, ये जल्दी करना पड़ेगा ना तभी तो आप जल्दी कर पाएंगे। 65 हो गया। 66 इफ द सन रेज इंक्लिनेशन इंक्रीज फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर डिक्रीजेज बाई 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक टावर है 66 के लिए, एक शेडो का लेंथ है कुछ वो 45 से 60 हो रहा है, 45 से
45 डिग्री था, अब इसका क्या हो रहा है, ये मैंने भी क्या किया है, ऐसा थोड़े ये ऐसे आ रहा है ना, ये कितना हो गया 60 डिग्री, पहले 45 डिग्री था अब कितना हो गया 60 डिग्री, 45 से क्या हो गया 60 हो गया, बहुत अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर डिक्रीजेज बाई 50 मीटर, मतलब ये शेडो का जो लेंथ है इतना था है ना, घटा कितना 50 मीटर, मतलब ये हमारा कितना हो गया 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक। हाइट ऑफ टावर मांगा है तो इसको हम x मान लेते हैं और हाइट हमारा h है मान लेते हैं, तो साइन टेन, साइन की क्या बात है यहाँ पर, टाइन टेन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई पूरा बेस ये होगा h बाई 50 प्लस एक्स, ये तो 1 हो गया ना, h बराबर क्या होगा 50 प्लस एक्स। उसी तरह टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, h बाई एक्स, 60 मतलब रूट 3, एच कितना है 50 प्लस एक्स बाई एक्स, रूट 3x बराबर 50 प्लस हाइट मांगा है, ठीक है बैठा देंगे वहाँ पे बाद में, एक्स एक्स कॉमन यहाँ पे, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 50, एक्स कितना हो गया 50 बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 3 प्लस 1 से नीचे भी, 50 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटे ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 आ जाएगा, कर ही सकते हैं आप, 25 इंटू रूट 3 प्लस 1 एक्स आ गया, हमें एच चाहिए, एच क्या होगा 50 प्लस एक्स कितना 25 रूट 3 प्लस 1, 25 कॉमन, 2 प्लस यहाँ होगा रूट 3 प्लस 1, तो 25 इंटू 3 प्लस रूट 3 आया, 25 इंटू 3 प्लस रूट 3, ओके उतार लीजिए। चलिए 66 हो गया, 67 में आते हैं, क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें क्या कह रहा है, टावर है दो पॉइंट से पी एंड क्यू, ठीक है, एक पॉइंट से ये जो एंगल है ये कितना 30 डिग्री, और दूसरा ये पॉइंट हमारा लेता है, दूसरा ये पॉइंट हमारा, और ये एंगल कितना है टोटल 60 डिग्री, ये 30 तो ये 30 होगा, ये 60 पूरा तो ये क्या होगा 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। और क्या बोला है, द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, हाइट कितना है हमारा 30 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो अब बताइए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए एक को इस पार होना पड़ेगा एक को उस पार होना पड़ेगा, तो ये फिगर ही हमारा गलत हो गया, एक को इस पार होना पड़ेगा एक को उस पार, तभी तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना, तो हम टावर को बीच में ले लेते हैं, एक एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री और एक एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ओके, और हाइट कितने मीटर है 30 मीटर, ये डिस्टेंस इसको x इसको y मान लेते हैं, एक्चुअली x प्लस y निकालना है, ठीक है, अगर टेन 60 डिग्री लें परपेंडिकुलर बाय बेस तो x बराबर 30 से कितना रूट 3 इज इक्वल टू 30 बाई x, तो x कितना हो जाएगा 30 बाई रूट 3, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे तो 10 रूट 3 मीटर, ठीक है, उसके बाद अगर टेन 30 डिग्री लें ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस तो ये होगा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 30 बाई y, तो y हो जाएगा 30 रूट 3 मीटर, तो x आ गया y आ गया, हमको x प्लस y चाहिए, 30 रूट 3 10 रूट 3 कितना हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 40 रूट 3 मीटर, उतार लीजिए, डन, ओके। 67 हो गया, 68 में चलते हैं हम लोग, 68 क्या बोला, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, तो 68 अल्टीट्यूड कितना मीटर है 500 मीटर में एक फ्लाइट है जिससे चल रहा है ना, 45 डिग्री से शुरू हो रहा है, मान लेते पॉइंट है ना, इस पॉइंट में कितना एंगल बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री, और जब आगे बढ़ गया तो कितना एंगल बना रहा है
30 डिग्री कितने सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड, 5 सेकंड, लेंथ नहीं है टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है 5 सेकंड, यहाँ पे एरोप्लेन यहाँ से शुरू किया यहाँ चला, कितना सेकंड, 5 सेकंड में फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकालना है। अब देखिए ये 500 है हमारा, अगर हम 10 45 डिग्री की बात करें, 500 है तो ये भी कितना हो गया हमारा 500 10 45 डिग्री, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, इसको हम एक्स मान लेते हैं 500 बाई एक्स। अब बताइए तो 1 होता है ना, तो एक्स बराबर कितना आएगा 500, तो ये 500 हुआ हमारा। उसी तरह से टेन अगर हम क्या निकाल लें 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 500 बाई एक्स प्लस समथिंग, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 500 प्लस वाई 10 30 कितना 1/√3 इज इक्वल टू 500/500 प्लस वाई, दैट इज 500 प्लस वाई इज इक्वल टू 500√3, तो वाई हमारा 500 कॉमन, √3 - 1, तो वाई हमारा आ गया। स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 500√3 - 1, ये तो मीटर में हुआ, और टाइम कितना है हमारा 5 सेकंड, दैट इज़ 100√3 - 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे, 18/5, 1 किलोमीटर पर आवर जानते होंगे ना कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाए 18/5 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते, वो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, हो जाएगा 20 × 5 = 18 × 36 = 360 × √3 - 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में बदलना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाता 100 आप मार देते जो कि गलत होता। ओके चलिए डन, 68 हो गया। अब 2 क्वेश्चंस बचे, इसको ख़त्म कर देते जल्दी जल्दी में, बहुत टाइम हो गया हमारा, लेंथी थोड़ा सा हो गया ये सॉल्यूशन वाला वीडियो, लेवल 3 है तो एक साथ कर दिया तो मज़ा ही आएगा, पोटेंशियल नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बॉटम ऑफ अ टावर आर 60° and 30° रिस्पेक्टिवली, तो 69 में कह रहा है एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक टावर है, तो टावर का टॉप और टावर का बॉटम, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ठीक है ऐसा कह रहा है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। अब लिख सकते हैं इस बात को 60° एंड ये 60° और ये कितना डिग्री 30° रिस्पेक्टिवली। ओके हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर है और ये भी कितना मीटर है 5 मीटर। हाइट ऑफ द टावर मांगा है, ये एक्स मान लेते दैट इज एक्स प्लस 5 मांगा है, 10 60° क्या हो जाएगा इसको वाई, इसको भी वाई मानना पड़ेगा, एक्स बाई वाई 10 60√3 होता है, तो एक्स बराबर क्या होगा √3 y, 10 30° क्या होगा 5/y, 10 30 कितना 1/√3 इज इक्वल टू 5/y, तो y हो गया हमारा 5√3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × 5√3 5 × 15 meters और ये 15 × 5 क्या होगा 20 meters, तो आंसर होगा हमारा 20 meters ऑप्शन डी। आंसर क्या होना चाहिए 20 meters। देख लेते हैं 69 का डी बिल्कुल सही, उतार लीजिए। ओके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ऐसा दिया हुआ है ABCD EFGH ऐसे ही ना, ए बी नीचे सी डी ऊपर, ई एफ ऐसे और जी एच ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बिलो है ना जो स्क्वायर से सारे FAE प्लस एंगल HAG मांगा है, ठीक है देख लेते हैं इसको।
एफ ए ई कौन सा है, एफ ए ई, एफ ए ई ये वाला एंगल, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। दूसरा क्या, एच ए जी, एच ए जी ये वाला मांगा, इसको हम बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा का सम मांगा है, ठीक है। तो मैं अगर टेन अल्फा प्लस बीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे, अब बोलेगा ऐसा क्यों लिखे, अब मैं लिख के बता रहा हूँ, इससे पहले मुझे बता देना चाहिए था, ये हमारा स्क्वायर है, तो ये एक्स होगा, 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 ठीक है। अब बताइए टेन अल्फ़ा लिखूँगा तो ये क्या होगा, टेन अल्फ़ा ये एक्स और बटे टू एक्स, तो टेन अल्फ़ा अलग से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स बाई टू एक्स, जो कि हाफ के बराबर होगा। टेन बीटा क्या होगा, एक्स बाई थ्री एक्स, क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री बटे वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, सॉल्व करना है इसको। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, छः तीन प्लस दो बटे छः, छः माइनस एक, छः छः कैंसिल, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा तीन दो पाँच बाई पाँच, ये वन हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री या पाई बाई फोर, जो आंसर हो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आई, तो मैं बहुत ही आराम से बहुत ही कूल होकर इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ आता है और आपको दोस्तों को भी लगता है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, उसे भी फ़ायदा हो जाएगा, तो उसे भी आप शेयर कर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन का सेक्शन होता है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।